नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले उस बोर्ड में मैंने यूज किया नो सॉकेट और नो स्विच। तो हमारा जो नो सॉकेट हो जाता है, एक सॉकेट, दो सॉकेट, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, नौ सॉकेट है। इसके साथ सबके लिए अलग अलग स्विच है, तो यहाँ पे नौ स्विच भी हमारे पास हो जाएंगे। एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, चार स्विच, पांच, छह, सात, आठ, नौ। इसके साथ मैंने लिया एक वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर होगा हमारा वोल्टेज ना बताएगा। इसके साथ एक एम्पेयर मीटर है, जो इसमें कितना एम्पेयर खपत हो रहा है वो हमें शो करेगा। इसके साथ सेफ्टी के लिए मैंने ले लिया है एक हमारा जो डीपी स्विच होता है वो ले लिया। तो क्या हो गया, ये जो बोर्ड है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या करेंगे, कनेक्शन देखेंगे कि उसका कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो हम डायग्राम में आएंगे, तो मैंने सेम डायग्राम ले लिया है, ठीक है। हमारा वोल्ट मीटर जो यहाँ पे था, ये वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके साथ एक डीपी स्विच था, यहाँ पे ले लिया है। एक एम्पेयर मीटर था, ये एम्पेयर मीटर हमने यहाँ पे ले लिया है। और जो नीचे नो सॉकेट और नो स्विच का जो कनेक्शन है वो देखेंगे कि किस तरीके से होता है। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐप के बारे में जान लेते हैं। लोकदाड़ील एक ऐसी दुकान है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़े सारे सामान मिल जाते हैं। यहाँ पे वायर हो गया, स्विच, सॉकेट जैसे सारे सामान अच्छी कंपनियों के मिल जाएंगे। यहाँ पे हेवेल्स हो गया, एंकर हो गया, पॉलीकैप, गोल्ड मेडल, सिस्का और भी अच्छी अच्छी कंपनियों के सामान और वायर्स यहाँ मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे आपको इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर, बैटरीज, सोलर प्लेट, सोलर बैटरी सारे अच्छी कंपनियों के मिल जाते हैं, जिसमें एमरॉन हो गया, एक्साइड हो गया, लुमिनस, माइक्रोटेक, ओकाया, टाटा जैसे कंपनियों के सामान भी यहाँ आपको मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक जुड़े सामान जैसे गीजर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, रूम हीटर हो गया, आयरन हो गया, पंप हो गया, स्टेबलाइजर, टीवी अच्छे कंपनियों के मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे आपको कार्बन, ओप्पो, वीवो, नोकिया, सैमसंग, एमआई जैसे अच्छी कंपनियों के मोबाइल भी मिल जाएंगे। यहाँ डीलर्स और रिटेलर्स दोनों को अच्छा मुनाफा मिल जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में मैं व्हाट्सएप नंबर भी वहां प्रोवाइड करा दूंगा, कंपनी का आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसे कनेक्शन करेंगे तो हमारा जो इसमें कौन सा वायर आएगा, तो हमारा आएगा पहले फेज कलर का, फेज का जो वायर आता है वो लाल कलर का वायर आएगा। इसके साथ आएगा हमारा न्यूट्रल का वायर और साथ में आएगा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो इस बोर्ड में पहले डायग्राम के थ्रू देखेंगे ये तीनों जो वायर आएंगे उसे कनेक्शन किस तरीके से होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फेज और न्यूट्रल, ठीक है, ये जो फेज और न्यूट्रल इस बोर्ड में आएगा, इस बोर्ड में आएगा तो वो कहां इन करेगा, तो वो इन करेगा ये डीपी स्विच के निचले टर्मिनल में। तो निचले टर्मिनल में कहां पे, ये जहां पे एल लिखा हुआ वहां पे हमारा फेज इन करेगा, और जहां पे एन लिखा हुआ वहां पे हमारा न्यूट्रल इन करेगा। तो हम क्या करते हैं, दो वायर लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फेज का वायर आएगा, सपोज यहां से मैं फेज का वायर लेके आया, ये फेज का वायर आया, तो ये फेज का वायर इन कहां गया, जहां पे एल लिखा हुआ है हमारा, तो एल यहां पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर यहां पे इन करा देंगे डीपी स्विच के ये टर्मिनल में। साथ में जो हमारा न्यूट्रल का वायर, ये जो ब्लैक कलर का ये जो न्यूट्रल वायर आया वो आएगा, वो कहां इन करेगा, तो वो इन करेगा यहां पे, ठीक है, जहां पे एल लिखा हुआ डीपी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर भी लेके आते हैं यहां पे और यहां पे इन करा देते हैं। ये हो गया हमारा डीपी स्विच में। अब क्या होगा, डीपी स्विच से आउट करेगा, तो हमारा जो फेज इन किया था अगर यहां से इन किया था तो आउट यहां से करेगा, न्यूट्रल इन यहां से किया था तो आउट यहां से करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज आउट करेगा हम क्या करेंगे, फेज यहां से आउट कराएंगे, और जो न्यूट्रल आउट करेगा वो कहां से आउट करेगा, सेम यहां से आउट करेगा। तो इसके बाद हम फेज को लेके कहां जाएंगे, तो फेज और न्यूट्रल जो होगा दोनों हमारा कहां चल जाएगा, ये आ जाएगा हमारे यहां वोल्ट मीटर में। तो हमारा वोल्ट मीटर कहां पे, ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर में दो टर्मिनल है, ठीक है, ये देखिए दो टर्मिनल, एक टर्मिनल ये, एक में फेज जाएगा और एक में न्यूट्रल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं दो टर्मिनल, ठीक है, एक टर्मिनल यहाँ पे, एक टर्मिनल यहाँ पे। तो इसमें क्या, एक में फेज देना, एक में न्यूट्रल देना। तो हमारा जो फेज और न्यूट्रल का वायर आया वो यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके आ जाएंगे। तो हमारा फेज का वायर को हम लेके आए, हम फेज यहाँ पे दे दिए। इसके बाद न्यूट्रल का वायर लेके आए, तो न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ पे, इसको लेके आना इस तरीके से, न्यूट्रल का वायर हम यहाँ पे दे दिए। तो ये दोनों टर्मिनल में क्या हो गया, एक में फेज चल गया, एक में न्यूट्रल चल गया। तो ये बताएगा ये वोल्ट मीटर की हमारा कितना करंट आ रहा है, 230, 240 या 250, ये हमें शो कर देगा ये वोल्ट मीटर की हमारा करंट कितना आ रहा है। इसके बाद हमको कहां लेके जाना है, इसके बाद जो कनेक्शन आएगा वो आएगा हमारा एम्पेयर मीटर में। तो एम्पेयर मीटर में देखिए इसमें भी सेम दो टर्मिनल है, ठीक है, ये दो टर्मिनल है। तो एम्पेयर मीटर में भी हम दो टर्मिनल ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, जिसमें इसमें फेज इन किया, ठीक है, तो इसमें एक फेज एक न्यूट्रल इन किया, पर एम्पेयर मीटर में क्या होगा, एक में फेज इन करेगा और एक से फेज आउट करेगा, एक हो जाएगा हमारा इनपुट का, एक हो जाएगा हमारा आउटपुट का। तो हमारा फेज का वायर कहां पे है, एक यहां पे है, ठीक है, वोल्ट मीटर से फेज का वायर को क्या करना, फिर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से वायर लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, सिम यहां से हम ऊपर करके ले जाते हैं, सपोज यहां से हम ले गए, ये हमारा यहां पे इन किया, ठीक है, ये कहां से निकला, ये हमारा वोल्ट मीटर से निकलेगा वायर, और ये कहां जाएगा हमारा, आ जाएगा एम्पेयर मीटर में, एक में इन करेगा और सेम यहां से आउट करेगा, ठीक है, कोई एक टर्मिनल में इन करा देना, दूसरा से आउट करा देना। तो क्या होगा, ये हमारा अभी तक फेज का काम हो रहा, अब क्या यहां पे न्यूट्रल हमारा, यहां पे न्यूट्रल का यहां पे एम्पेयर मीटर में कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो ये स्विच, ठीक है,
ये सारे स्विच में हमको फेज का कनेक्शन लेके जाना है कि सारे सॉकेट को यूज करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। एक में फेज, एक में न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल दोनों में जरूरत पड़ता है, एक में फेज एक में न्यूट्रल, इस तरीके से जरूरत पड़ेगा। तो हमारा जो फेज का करंट, जो फेज हमारा कहां पे, यहां पे है, फेज हमारा हो गया एम्पीयर मीटर में रखा हुआ है, और जो हमारे न्यूट्रल है यहां पे है, तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर यहां से आउट करेगा वो कहां लेके जाएंगे, हमारा जो नौ स्विच है, ठीक है, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, चार स्विच, पांच, छह, सात, आठ, नौ, ये नौ स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में क्या करना, हमको फेज का वायर को लेके चल जाना है। तो हमारा फेज का वायर यहां पे है, हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे, एक यहां पे दे देंगे, फिर सेम यहां से स्विच के सारे नीचे टर्मिनल हमको ले जाना है, किसी भी तरीके से ले जाए, एक यहां ले गए, एक यहां पे ले गए, ठीक है, सेम फिर हम यहां से क्या करेंगे, यहां से ऐसे आउट कराएंगे, एक यहां पे नीचे टर्मिनल, स्विच के नीचे नीचे टर्मिनल में आप यहां से भी ले आ सकते हैं, जहां से आपको सुविधा हो। फेज का जो वायर है, जो हमारा करंट, वो क्या स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में आपको पहुंचा देना है किसी भी तरीके से, ठीक है, ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल हम लेते जाते हैं। सॉरी, यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे स्विच के सारे नीचे टर्मिनल हमारा फेज पहुंच गया। तो अब क्या करना है, सारे स्विच से, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, 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 तो जो हमारा फेज, ठीक है, एक जो दोनों सॉकेट है, एक में फेज है न्यूट्रल जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा जो फेज का जोड़ पड़ेगा वो कहां से आएगा, फेज हमारा ये स्विच में आया, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाना, ये सॉकेट में, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाना, ये सॉकेट, जो सॉकेट, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट यूज करना है, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाना, कहां पे, जहां पे इसका एल का टर्मिनल लिखा हुआ है। तो सेम हम यहां भी ऐसे ही करेंगे, ये जो अभी काम है, अभी तक हमारा फेज का ही काम हो रहा है, तो ये हो गया हमारा फेज का काम कंप्लीट, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच से ये सॉकेट, 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 इसी तरीके से सारे सॉकेट और स्विच यूज होंगे। अब क्या है, ये सॉकेट को यूज करने के लिए यहां पे तो फेज मिल गया, अब न्यूट्रल चाहिए, ठीक है, सब में फेज मिल गया, फेज सब में यहां से हमारा पहुंच गया, ये आया फेज हमारा डीपी स्विच में, डीपी स्विच आउट करते हुए आया हमारा यहां पे वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से यहां से आया ये एम्पेयर मीटर में, एम्पेयर मीटर से आउट होते हुए सारे स्विच के नीचे टर्मिनल और स्विच के थ्रू, ठीक है, स्विच जैसे ऑन करेंगे तो यहां से ये एक वायर दिया हुआ है जिससे ये हमारा सॉकेट में फेज पहुंच जा रहा है। अब क्या करना, हमको न्यूट्रल पहुंचाना है, क्योंकि ये सॉकेट को यूज करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो हमारा जो फेज आया, ठीक है, फेज न्यूट्रल है वो कहां पे, फेज तो पहुंच गया, न्यूट्रल हमारा यहां पे वोल्ट मीटर में है अभी, हम क्या करेंगे यहां से न्यूट्रल लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल हमारा यहां पे है, न्यूट्रल का जरूरत एक यहां पे दे देंगे, सेम अप जरूरत यहां भी है हमको, जितना जहां न्यूट्रल का जरूरत हम सब पहुंचा देंगे, यहां पे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। पर अब क्या बचा हमारे पास, हमारा तो हो गया फेज का काम, एक हो गया न्यूट्रल का काम, अब हमारा बच गया क्या, ये बॉडी अर्थिंग का जो ग्रीन कलर का वायर है, तो ये हमें कहां लगेगा, तो ये लगेगा सॉकेट का, ये जो ऊपर टर्मिनल होता है, ठीक है, यहां जो सॉकेट का ऊपर टर्मिनल होता है, ये जो हमारा होता है, ठीक है, इस टर्मिनल में क्या होता है, हमारा बॉडी अर्थिंग का करंट लगता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर है, ठीक है, ये तीन वायर है, एक हमारा आ गया फेज का, एक आ गया हमारा न्यूट्रल का, एक वायर आएगा जो हमारा बॉडी अर्थिंग का, ठीक है, ये तीन वायर आ गए। अब ये वायर को हमको कहां कहां जरूरत है, ये जरूरत है सॉकेट के सारे ऊपर टर्मिनल, तो हम क्या करेंगे, एक यहां पे दे देंगे, सेम यहां पे दे देंगे, एक लूप बना के हम ले जाएंगे यहां पे, एक यहां पे, किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, ये सारा यहां पे पहुंचा देना है, ठीक है, सेम यहां से एक वायर हम लेके चल जाएंगे यहां पे, किसी भी तरीके से आपको जो है बॉडी अर्थिंग का जो वायर है, ये सॉकेट के ऊपर सारे टर्मिनल में आपको पहुंचा देना है, बस इतना सिंपल सा कनेक्शन है। तुम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, तुम क्या करते हैं, जो हमारा फेज, ठीक है, ये तीन वायर आ रहा, तो हमारा फेज और न्यूट्रल का वायर हम कहां इन कराए, तो फेज और न्यूट्रल का वायर हम इन कराए कहां पे, यहां पे, जो हमारा डीपी स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है, तो हमें फेज यहां दे रहे, न्यूट्रल यहां दे रहे, तुम क्या करते हैं, इन कराते हैं, सिंपल है, तो फेज के यहां से घुसाते हुए, और ये न्यूट्रल, तो हमारा फेज का वायर यहां पे दे देंगे, और न्यूट्रल का वायर हमारा यहां पे, जैसे डायग्राम में, डायग्राम के थ्रू हम सारा काम करते हुए जाएंगे। ये हो गया हमारा फेज इन कर गया, अब हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल जो आउट करेगा यहां से, और ये आउट करके कहां जा रहा है, ये हमारा डीपी स्विच से जो आउट करके आ रहा है यहां पे, हमारा वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर यहां पे,
ठीक है। तो वोल्ट मीटर हम देखा जाए तो हमको एक वायर यहां से यहां पे आउट कराना, दो वायर हम ले लेंगे ठीक है, और ये दोनों को आउट करेंगे यहां से। तो हमारा जो फेज का वायर फेज से गए थ्रू आउट करेगा, न्यूट्रल का वायर न्यूट्रल के थ्रू। तो ये दोनों को यहां पे ले लेते हैं ठीक है। तो फेज के लिए लाल कलर का वायर है, तो फेज हमारा कहां से आउट कर रहा है, यहां से आउट कर रहा, तो फेज का वायर ले लेंगे यहां पे। न्यूट्रल आउट कर रहा है यहां से, तो न्यूट्रल यहां से ले लेंगे। ये हो गया हमारे यहां तक का काम कंप्लीट। अब ये आउट करके कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा यहां से आउट करके वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर हमारा यहां पे, हम इसको पलट देते हैं ठीक है। कुछ काम मैंने पहले कर लिया था कि वीडियो हमारा बड़ा ना बने। तो हमारा जो है कहां पे आ रहा, एक आ रहा हमारा फेज यहां पे, एक न्यूट्रल आ रहा। तो हमारा वोल्ट मीटर देखिएगा, मैं डायग्राम के थ्रू यहां पे जैसे ये मैं से पलटता हूं तो हमारा ये इधर आ जाएगा ठीक है। तो वोल्ट मीटर में आपको याद रखना, एक में फेज आ रहा, एक में न्यूट्रल देना। तो हम क्या करेंगे, एक में फेज दे देंगे एक में फेज, और एक में क्या होगा हमारा न्यूट्रल जाएगा। तो मैंने भी टाइट नहीं किया क्योंकि यहां सभी कनेक्शन और निकल रहा। तो अब क्या होगा, यहां पे आ गया हमारा, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया ठीक है। ये डीपी स्विच से दो वायर निकला, डीपी स्विच से दोनों वायर लेके कहां आ गया हम वोल्ट मीटर में, एक में फेज एक में न्यूट्रल यहां पे लेके। अब हम क्या करेंगे, यहीं से हमको एक आउट करके ले जाना कहां पे, हमारा एम्पियर मीटर यहां पे ठीक है। तो एम्पियर मीटर में हमको एक वायर लेके जाना, तो हम क्या करेंगे, एक वायर ली है, इसे मैंने एक प्लेस से कनेक्शन कर दिया। तो ये क्या होगा, हमारा फेज में कनेक्शन होगा और ये हमारा इन यहां पे करेगा ठीक है। तो हम ये दोनों को कनेक्शन कर देते हैं, आपको भी दो मिनट में भी क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से ये कनेक्शन हुआ है। ये वोल्ट मीटर के बाद जो एम्पियर मीटर का कनेक्शन वो मैंने पहले कर लिया था कि वीडियो बड़ा ना बने ठीक है। अब देखिए आपको क्या हुआ, यहां से आ गया हमारा फेज और न्यूट्रल। तो फेज न्यूट्रल हमारा डीपी स्विच से निकला। अब हमारा फेज जो आउट करा कहां से, यहां से आउट करा, ये वायर देखिए हम कहां लेके गए, एम्पियर मीटर में। तो एक वायर हम लेके आया कहां पे, इस एम्पियर मीटर में इन किया है, और सेम यही से फेज का वायर हमारा आउट करेगा कहां पे, ये देखिए ये अब आउट किया, ये इन किया था यहां पे। अब यहां से आउट करते हुए कहां चल गया, ये चल गया स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में, ये लाल कलर का जो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में। ये देखिए हमारा एम्पियर मीटर में फेज इन किया, एक से आउट किया है ठीक है। यहां से आउट करते करते कहां गया, देखिए स्विच के सारे नीचे टर्मिनल ठीक है, ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हमने ले लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना, ये तो हमारा काम यहां तक का हो गया। तो फेज का काम हमारा कहां तक हुआ, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल। अब हमको क्या करना, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से सारे सॉकेट में लेके जाना है। तो जैसे ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट। तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके कहां जाना, जहां पे हमारा एल टर्मिनल यहां पे। तो हर स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर आपको यहां पे लेके जाना है, सेम इस तरीके से। एक करता हूं मैं, एक करके दिखाता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लिया हम, कहां लेके गए, यहां पे एल लिखा हुआ, तो हमारा एल यहां पे, ये इसी तरीके से हमको क्या करना है, सारे स्विच में कनेक्शन कर देना है। ये स्विच से हमारा क्या होगा, यहां पे जाएगा ये सॉकेट में, इसी तरफ से एक लूप लेके क्या हो रहा है, ये हमारा अभी तक फेज ही का काम हो रहा है। फेज हमारा कहां से आया था, ये आया था हमारा डीपी स्विच से, डीपी स्विच से आया हमारा वोल्ट मीटर में ठीक है। ये देखिए आपको ध्यान देना, फेज का जो वायर है हमारा डीपी स्विच से आया कहां, वोल्ट मीटर में। ये वोल्ट मीटर से फिर आउट किया कहां पे, एक वायर हम लेके गए एम्पियर मीटर में, और एम्पियर मीटर से ही हमारा एक में फेज इन किया, एक से हमारा फेज आउट करते हुए स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में आया, और ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर जा रहा है हमारा सारा सॉकेट में। हम क्या करना है, इसी टाइप से सारे ये नौ सॉकेट में कनेक्शन कर देना है। तो हमारा स्विच से सारा सॉकेट का कनेक्शन तो हमने कर लिया, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट, 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 ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से जो कनेक्शन आना था, ये देखिए ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहां ले गए, ये स्विच से ये सॉकेट से एक वायर यहां ले गए, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके ये सॉकेट में, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, और ये स्विच से
ठीक है, ये स्विच से हमारा ये सॉकेट। तो ये क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ये स्विच हमारा ऑफ है, ये जैसे हम इसे ऑफ है ये इसे ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो फेज है करंट है, ये स्विच के नीचे टर्मिनल फेज था, ये आउट करके अब कहां जाएगा, ये सॉकेट में आ जाएगा। अब ये सॉकेट को यूज करने के लिए क्या चाहिए, साथ में न्यूट्रल चाहिए। तो हमारा जो न्यूट्रल का है कहां तक आया हुआ है, न्यूट्रल हमारा आया हुआ है यहां पे वोल्टमीटर तक, यहां पे हम न्यूट्रल लेके आए हुए। अब हम क्या करना है, यहां से न्यूट्रल आउट कराए कहां ले जाना, सॉकेट के सारे नीचे टर्मिनल में जहां पे एल लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का आया है यहां से लेके आया, यहां पे हम यहां ले आए, यहां लाए, फिर सेम यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए, जो नौ सॉकेट है, ठीक है, नौ सॉकेट के सारे नीचे जो टर्मिनल में जहां पे एन लिखा हुआ है वहां पे हमको क्या करना है, न्यूट्रल लेके जाना। तो हमारा न्यूट्रल यहाँ, यहाँ से हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, आपको यहाँ से सुविधा हो तो यहाँ, अगर यहाँ से सुविधा हो तो यहाँ से लूप करते हुए हमको सारे में न्यूट्रल पहुंचा देना। तो हम क्या करेंगे, हमारे न्यूट्रल यहाँ पे आया हुआ, हम यहाँ से कनेक्शन पहले ले लेते हैं, करेंगे इसको आराम से, फिर हम टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल यहाँ से हम लेके आए कहाँ पे, हमें यहाँ पे लेके आना है सेम यहाँ से इस हिसाब से। तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल जो था हमारा एन यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे ले जाएंगे, क्या करेंगे यहीं से न्यूट्रल लूप लेके जाएंगे नीचे में, और इसी तरीके से सारे में सोचना सोखड़े समय हम न्यूट्रल पहुंचा देंगे। तो हम यहाँ से लूप लेके आए इस न्यूट्रल में, अब यहाँ से एन हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे ले जाएंगे, सारे सोखड़े में हमें न्यूट्रल पहुंचा देना है इस तरीके से, सेम यहां भी इसी तरीके से पहुंचा देंगे। अब यहां से हम यहां पे ले जाएंगे, अब क्या कर रहे हैं, आप अपना सुविधा अनुसार आप यहां से भी न्यूट्रल ले जा सकते हैं, और न्यूट्रल यहां से भी, वहां ऊपर सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल देना है, यहाँ भी न्यूट्रल जरूरत है, यहाँ भी न्यूट्रल जरूरत है, यहाँ भी, आप यहाँ से भी न्यूट्रल ले आ सकते हैं, हमारा न्यूट्रल यहाँ आया तो यहाँ से भी ले आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको जहां से डायग्राम बनाए थे इसी के थ्रू काम करते हैं क्योंकि कहीं दिक्कत ना आए, तो हम क्या करते हैं यहीं से ले आते हैं। न्यूट्रल यहां से आया, अब हम क्या करते हैं यहीं से लेते हुए सारे इसमें पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा बॉडी अर्थिंग कनेक्शन। तो बॉडी अर्थिंग का वायर कहां पे है, तो बॉडी अर्थिंग का ये ग्रीन कलर का वायर आया हुआ है, हमको कहां पे देना है, ये सॉकेट के सारे ऊपर टर्मिनल समय हमको क्या करना, बॉडी अर्थिंग का वायर पहुंचा देना है। तो क्या करेंगे, ये बॉडी अर्थिंग का वायर कनेक्शन हम साथ में कर लेते हैं कि हमारा किस से होगा इसका कनेक्शन। जैसे हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हुआ सेम इसी तरीके से, जैसे न्यूट्रल हम ले गए सब में उसी तरीके से, जो हमारे ये बॉडी अर्थिंग का वायर आया हुआ है इसका क्या करना, सारे सॉकेट को ऊपर टर्मिनल में हमको लेके जाना है। तो हमने सेम डायग्राम के अनुसार जो हमारा बॉडी अर्थिंग का ये जो आया था वायर, ठीक है, ये ग्रीन कलर का वायर जहां सॉकेट के ऊपर टर्मिनल को जरूरत तो सब में हमने दे दिया। हमने यहाँ पे कहां पे इन कराया, यहाँ पे, यहाँ से आउट कराया, यहाँ पे एक वायर हम यहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, और सेम यहाँ से एक लूप कराते हुए क्या किया, देखिए ग्रीन वायर हम यहाँ ले आए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए और यहाँ लाए। तो जो हमारा कनेक्शन है वो सारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देखेंगे कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ कि नहीं हुआ है। तुम क्या करते हैं, इसको मैं पलट देता हूं, ठीक है। और जो हमारा फेज है न्यूट्रल है, जो करंट आ रहा है वो कहां आ रहा है, हमारा इन कर रहा है यहां पे। तुम क्या करेंगे, पहले इसको हम फिट कर लेते हैं, ऐसा कनेक्शन हम चालू कर देते हैं। क्या करते हैं, मैं बगल वाला स्विच से इसका जो कनेक्शन है फेज और न्यूट्रल का, इसमें हम करंट क्या करते हैं अब फॉलो करा देते हैं। जैसे इसको हम अभी ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इंडिकेटर जलना चाहिए, साथ में हमारा वोल्टमीटर में भी ये करंट शो करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर जला, ये हमारे करंट भी बता रहा है, ठीक है। तो ये करीब अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, ये मुझे मेरे पास 210 के आसपास में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सारे को ये सॉकेट जो है ये सबको हम क्या करेंगे, चेक करके देख लेंगे कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, होल्डर ले लेते हैं और सारे सॉकेट को चेक करके देख लेंगे। तो एक सही है तो बाकी सब सही होगा, फिर भी हमारा काम है, चेक कर लेते हैं।
इस तरीके से आप अपना जितना भी सॉकेट है, यहाँ पे मैंने 9 यूज किया, 12 13 जितना यूज करना सब में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कमेंट आया था 15 सॉकेट का, 15 सॉकेट और 15 स्विच, तो यहाँ पे आप जैसे 9 है यहाँ पे 15 यूज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक नया वीडियो लाऊं जिसमें 15 स्विच और 15 सॉकेट के बारे में बता सकूं। चलिए धन्यवाद।